राष्ट्रवादी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर सिंह डोगरा ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें सैनिटाइज करने का कार्य किया है। इससे पहले डोगरा द्वारा सुजानपुर विधानसभा के गांव और कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र सिंह डोगरा कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सैनिटाइजेशन के कार्य में जुटे हुए हैं। पहले उन्होंने सुजानपुर विधानसभा के कई गांव और कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन का कार्य किया, पर अब वे हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ डोगरा की टीम टौनी देवी बाजार को भी पूर्णतया सैनिटाइज कर रही है। रविंद्र सिंह डोगरा ने बताया कि अवाह देवी, टौनी देवी, जंदड़ू, कक्कड़, जंगलबेरी में खड़ी होने वाली बसों को उनके चलने वाले स्थान से सुबह सैनिटाइज करने का साधन कंडक्टर व ड्राइवर के पास नहीं है। ये सभी बसें टौनी देवी होकर जाती है, इसलिए उन्होंने सभी बसों को सैनिटाइज करने का निर्णय लिया ताकि ड्राइवर, कंडक्टर और यात्री सुरक्षित रह सके। टौनी देवी में सैनिटाइजेशन का अभियान आज इसलिए चला है क्योंकि टौनी देवी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे जंगलबेरी, कक्कड़, जंदड़ू, अवाह देवी सभी स्थानों से परिवहन निगम की बसें और प्राइवेट बसें आती जाती हैं, और क्योंकि सारी बसों का आवागमन शुरू हो गया है और रात्रि में जो बसें यहाँ खड़ी होती हैं उनको सैनिटाइजेशन का कोई उनके लिए तरीका नहीं है ड्राइवर कंडक्टर के पास में, इसलिए हमने ये तय किया कि जो बसें सुबह यहाँ से चला करेंगी इन एरियों से, जंदड़ू से, जंगलबेरी, कक्कड़ से, अवाह देवी से, उनको हम टौनी देवी में सुबह ही सैनिटाइज करके भेजेंगे ताकि कंडक्टर, ड्राइवर, यात्रियों को सुविधा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।